दोस्तों स्वागत है नए वीडियो के साथ में। और आज मैं आपको दिखाने के लिए आया हूँ दाना पानी बीच, जो कि यहाँ पे बहुत सारे फिल्मों का शूटिंग होता है। देख सकते हो मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा पहाड़ी जैसा इलाका, और पीछे देख सकते हो यहाँ पे जंगल जैसा बना हुआ है। ये मतलब बीच है ना, उतना पॉपुलर नहीं है जितना जुहू बीच पॉपुलर है, उतना ये बीच पॉपुलर नहीं है, लेकिन यहाँ पे भीड़ कम होता है। तो इस चक्कर से यहाँ पे शूटिंग करने के लिए ना अच्छा होता है, क्योंकि यहाँ पे उतना क्राउड नहीं रहता है। तो शूट करने के लिए जो भी जितने प्रोड्यूसर होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, उसके लिए अच्छा होता है। तो ये देख सकते हो मेरे पीछे, और जस्ट ये देख सकते हो सामने समंदर, ये देख सकते हो, और पीछे देख सकते हो ये पूरा जंगल ही है। और उस जंगल के अंदर है ना, उस जंगल के अंदर दुकान है, यानी आप खाना पीना जो भी आप करना चाहते हो, होटल्स है उस वो आपको दिख रहा है ना, इसे वो बिल्कुल ऐसे जंगल नहीं, इसके अंदर होटल्स भी दिख रहे हैं इसके अंदर। और यहाँ भी देख सकते हो आप, यहाँ भी कुछ लोग यहाँ बैठे हुए और खाना देखो, वहाँ पे बैठ के खाना भी खा रहे हैं, यहाँ पे कुछ लोग इधर भी बैठ के खाना पानी खा रहे हैं, और इधर देख सकते हो क्रिकेट खेल रहे, कोई फुटबॉल खेल रहा है। मतलब अच्छा ग्राउंड है, बिल्कुल शांति मतलब माहौल भी है, देख सकते हो सामने। बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे भी आके, कसम बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे आके यहाँ पे। और मैं आपको इसलिए मैं आपको दिखाने के लिए आया हूँ ना, कि यहाँ पे जस्ट अभी यहाँ पे फिल्मों का शूटिंग है ना, अभी से 20 साल पहले यानी कि 2002 में अक्षय कुमार सर का, सनी देओल सर का जानी दुश्मन फिल्म आया था, तो यहीं पे शूट हुआ था। जो लास्ट में जो फाइटिंग सीन था, जहाँ पे वो नाग जो सबसे बदला लेने के लिए आते ना, वो शूट यहीं समंदर में ही शूट किया गया था। जो बोट का रहता है, जो मतलब बाइक से चलते रहता ना, यहीं पे शूट किया गया था। अब अक्षय कुमार सर है ना, यहाँ पे देख सकते हो, आपको मैं एक वीडियो क्लिप भी यहाँ पर जारी करके मैं लगा दूंगा साइड में। यहाँ से देख सकते हो बाइक से आते रहते हैं, साइड से ऐसे करके आता है, और वो जो नाक रहता है उसके पीछे करते हुए आता है। और जो कुछ सीन है ना, इसे समंदर के अंदर से ही लिया गया है, कुछ तो आर्टिफिशियल था, क्योंकि जो बाइक जो समंदर में चलाते रहते या नाक जो दौड़ते रहता ना, वो समंदर में नहीं दौड़ता, बल्कि उसे VFX ग्रीन पर्दे पर एडिट करके उसको दिखाता है। लेकिन आज मैं आपको रियल मतलब जो लोकेशन है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, देख सकते हो ब्रदर। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेगा, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जो रहता है घंटी उसे प्रेस कर लोगे, तभी तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा हमारे वीडियो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अभी देख सकते हो धूप है, अच्छा लग रहा है, क्योंकि इससे पहले बारिश भी हुआ था। ठीक है दोस्तों, आप भी देख सकते हो पीछे, ये देखो आप देख लो यहाँ पे वो बंदे लोग खड़े हैं कुछ, यहाँ पे देख सकते हो। तो यही इसी साइड में मतलब शूट होता है, यहाँ पे मॉर्निंग का टाइम कुछ सेट उट लगाया जाता है और उसको शूट किया जाता है, देख सकते हो दोस्तों। तो मैं आपको दिखाने के लिए आया था आज दाना पानी बीच, ये मुंबई का फेमस बीच है ब्रदर, इसलिए मैं आपको दिखाने के लिए आया था। तो आप लोग को वीडियो कैसा लग रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करते जरा, कमेंट भी किया करो, आप लोग कमेंट भी नहीं करते हो। समंदर, यही समंदर के बीच में ना आज शूट किया गया था पिक्चर को पूरा, एकदम लास्ट सीन है ना, इसको यहीं पे शूट किया गया था। और जस्ट अभी मैं देख सकता हूँ, मैं भी इधर बैठा हूँ, अब मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। ये देखो पत्थर, देखो ये देख सकते हो पहाड़ है ये सब, ये देख सकते हो यहाँ भी अभी पानी आया था, ये देखो पानी दिख रहा है ना अभी, ये देखो पानी, ये जस्ट अभी ये देख सकते हो पानी ऊपर आता है, पानी जब ऊपर आता है ना तो ये यहाँ पे अभी मैं बैठा हूँ, ये आप देख सकते हो स्टोन, अभी इस पर बैठते हैं, अभी बैठ के मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अच्छा लग रहा है जगह के, समझ रहे हो। एक्चुअली मुझे क्या, देखो वीडियो बनाने में ना बहुत अच्छा लगता रहता है, क्योंकि आप लोगों से बात करने में और एक अलग काम करने में ना ज़्यादा अच्छा लगता है। लाइफ में देखो नौकरी तो करना ही है, अगर नौकरी करना चाहते बंदे करना ही चाहता है, अगर मैं भी चाहूँ तो मैं भी एक नॉर्मल इंसान की तरह 15-20 हज़ार रुपये महीने कमा कर रह सकता हूँ। लेकिन मैं सोचता हूँ नहीं यार, कुछ अलग करते हैं, कुछ अलग करने में क्या जाता है, कुछ बेटर करने में क्या जाता है कि नहीं ब्रदर। तो इसलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, और ये देख सकते हो ब्रदर पानी है ना बहुत ही ऊपर आ रहा है, अभी जैसे जैसे हवा जो चलता है ना, तो ये लहर है ना पानी का बहुत ही ऊपर आता है। ये जो आपको दिख रहा है ना ये पत्थर, यहाँ पे इसके ऊपर पानी आता है, ये देख सकते हो यहाँ पे अभी लोग यहाँ पे बैठे हुए, इसके ऊपर पानी आएगा जस्ट अभी, धीरे 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 पानी चढ़ रहा है यहाँ पे आते आते, ये देख सकते हो यहाँ पे पानी इधर भी भर चुका है पानी, पीछे साइड भी, ये जैसे जैसे हवा का लहर चलता है ना जस्ट वैसे वैसे पानी ऊपर आता है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको दिखाने के लिए आया था दाना पानी बीच मुंबई का, ये मलाड वेस्ट में पड़ता है, आपको यहाँ पे आप आ सकते हो, ये शूटिंग लोकेशन आप देख सकते हो, यहाँ पे बहुत सारे फिल्मों का शूटिंग होता है, सीरियल्स का शूटिंग होता है, क्योंकि यहाँ पे क्राउड बहुत कम होता है, क्राउड जब कम होता है तो वहाँ पे प्रोड्यूसर को डायरेक्टर को उतना मतलब दिक्कत नहीं झेलना पड़ता है कि शूटिंग करने के लिए पब्लिक को कैसे हम समझाएँगे, और क्योंकि ज़्यादा क्राउड रहता है वहाँ पर आप शूट करोगे तो आपको वीडियो शूट फिल्म बनने या सीरियल बनने से पहले वो वीडियो वायरल हो जाएगा कि यहाँ पर ये कहानी है ये कहानी है। तो इसलिए यहाँ पे कोई ऐसा जगह ढूंढा जाता है जहाँ पे अच्छे से फिल्म को शूट किया जाए। ये देख सकते हो मुंबई के दाना पानी बीच है, मेरे पीछे आपको पहाड़ से दिख रहा होगा, ये पूरे साइड देख रहे हो, बहुत ही खूबसूरत बीच है ब्रदर, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है यहाँ पाने पर। तो वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और इस चैनल पर और भी बहुत सारे वीडियो उसे भी जाकर आप देखिए और इन्जॉय कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, बाय बाय।